बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कराची से खबर शामिल करते हैं काशिफ अहमद फारूकी की रिपोर्ट। रूबी टाइगर्स ने फतह का ताज अपने सर सजाया। अम्मार खान बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वसीम बेस्ट बॉलर और शफीउल्ला बेस्ट बैट्समैन करार पाए। मान फिल्टर्स क्रिकेट चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद कराची के कच्ची मेमन ग्राउंड में अवैस ऑटोमोबाइल्स के ज़ैर एहतमाम मुनक़द किया गया, जिसमें कराची की नामवर क्रिकेट टीमों ने उम्दा अंदाज में अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाए। तलहा अहमद बट्ट ने इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं तलहा अहमद बट्ट, CEO अवैस ऑटोमोबाइल्स से फिर आप लोगों के साथ हूँ। और जैसे कि ये मान फिल्टर चैम्पियनशिप जो हमारा थर्ड बड़ा लीग टूर्नामेंट हो रहा है पूरे कराची के अंदर, और आप देख रहे हैं जैसे कि प्लेयर्स खेल रहे हैं दूर दराज इलाकों से कराची के, और ये है, ये काविश है, कोशिश थी कि टेबल क्रिकेट को आगे लाया जाए। मैन फिल्टर चैम्पियनशिप बेसिकली हमारा एक प्रमोशनल ब्रांड मान फिल्टर जो जर्मनी से आता है उसको हमने प्रमोट करने के लिए, इसको कच्ची मेमन ग्राउंड में प्रमोट करने के लिए क्रिकेट को इसके साथ लिंक की है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि कराची के कोने कोने से प्लेयर्स आ रहे हैं और अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पहला मैच जो रूबी टाइगर्स और क्या बोलते हैं बादशाह एलेवंस के बीच में हुआ, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ। आगे की टीम ने बहुत अच्छी फाइट दी हमें। आखिरी ओवर में हमें 22 रन डिफेंड करने थे और आखिरी बॉल तक है ना मैच गया, 4 रन डिफेंड करने थे आखिरी बॉल पे। और अल्हम्दुलिल्लाह शान जो हमारा एक बेस्ट बॉलर है उसने आखिरी बॉल है ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस से करा के मैच को हमारे नाम कर दिया। ये है कि इस टीम के सामने पहला मैच खेला हुआ है, उनको हराया हुआ था, हमारे पास कम्पिटिटिव एज तो है। अब दूसरी बात ये कि हम टॉस वो लोग जीते हैं, हम कोशिश करेंगे कम से कम रन पे रिस्ट्रिक्ट करें और चेस करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनल में मेरी टीम आई है, बहुत खुशी हुई है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। मेरे प्लेयर्स हैं ना बड़ी एक्सेसिवली परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमारा कैप्टन है उसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग में ना कारकर्दगी दिखाई है। ऐसी वसीम हमारा बहुत अच्छा बॉलर है जिसने 3 से 4 विकेट लिए हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो मेरे लिहाज से हमारी जो रूबी टाइगर्स का एक जो एक एज है और रूबी टाइगर्स का जो परफॉर्मेंस बेस्ड टीम है वो है ना बहुत आगे जा रही है, हर टूर्नामेंट जीत रही है, हर टूर्नामेंट के फाइनल्स में आ रही है। तो मेरे लिहाज से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टीम को है ना कम। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 पॉइंट नेट।